हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो समर्स आर ऑलमोस्ट हियर और आज की वीडियो में आई थॉट आई डू समर्स गार्डन मेकओवर। तो सारी चीज़ें हम बनाएंगे, डेकोरेट करेंगे अपने गार्डन को सारी वेस्ट मटेरियल चीज़ों से, एंड आई विल शो यू हाउ यू कैन ऑल्सो डेकोरेट योर गार्डन। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ये हैंगिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल दिखने वाला है ये हैंगिंग। हम इसे बुद्धा के एग्जैक्टली पीछे लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने ले लिया है शिल्पकार क्ले। शिल्पकार क्ले में दो क्ले रहते हैं, उसको आपको निकालना है, अच्छे से उसको मिक्स करना है, एंड देन इट्स गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस। एंड नाउ हम इसके अलग अलग बीड्स बनाएंगे, अलग अलग शेप्स के, समथिंग लाइक दिस। और उसके बाद बीच में हम यहाँ पर होल कर देंगे, क्योंकि सूखने के बाद फिर आप इसके बीच में होल नहीं कर पाएंगे। और टॉप के लिए मैं एक बॉटल लूँगी, बॉटल का सिर्फ ऊपर वाला पार्ट हम लेंगे। तो बॉटम को आप कट कर दीजिए और ऊपर वाले पार्ट को भी आप कट कर दीजिए, एंड देन इसके ऊपर हम शिल्पकार क्ले लगाएंगे। शिल्पकार क्ले में अगर आप थोड़ा सा पाउडर लगाते हैं तो उसका जो स्टिकीनेस है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। सो इस तरह से हम इसे अच्छे से कवर कर देंगे, एंड जब ये गीली है क्ले उसी वक्त वी हैव टू मेक अ होल and then we have to leave it to dry. So once everything is dried, it's going to look something like this. और अब इन सब के ऊपर मैं जैसो या आप वाइट चॉक पेंट ले सकते हैं या वाइट एक्रेलिक कलर ले सकते हैं, एनी कलर यू कैन यूज़। इस वाले पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर डेकोपैच करेंगे। उसके लिए आई एम गोइंग टू टेक दिस डेकोपैच नैपकिन पेपर, ये वाला पार्ट हम काटेंगे और साथ में जो एजेस हैं हमें उसे इस तरह से अनइवन करना है, एंड नैपकिन पेपर के पीछे तो जो पेपर्स रहते हैं दैट वी हैव टू रिमूव। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टिक इट विद एनी ग्लू यू हैव। आप स्टिक कोई भी ग्लू से कर सकते हो, आप नॉर्मल फेविकॉल ले सकते हो, एंड देन ड्राई ब्रश की हेल्प से आपको इसे इस तरह से स्टिक करना है। ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू स्टिक इट विद अ ड्राई ब्रश। सो वंस दैट इज ड्राइड एंड वंस दैट इज डन, उसके बाद हम इस फ्लास्क को थोड़ा सा और हाईलाइट करेंगे, एंड देन इसको सील करने के लिए वी आर गोइंग टू अप्लाई वार्निश। एंड ये सारे प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं इट्सी बिट्सी से, यूज माई कूपन कोड कंचन 5 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। So now let's color the beads. Beads को हम color करने के लिए I'm going to take different colors. Basically मैं सारे light shades ही रखूँगी, बहुत ज़्यादा bright colors नहीं रखेंगे, सारे light and happy colors रखेंगे। So the beads are going to look something like this. अब इन सब को हम करते हैं assemble. Assemble करने के लिए I have taken a jute rope और सबसे नीचे मैंने एक embellishments, एक ये key वाला embellishment लिया है। आपके पास अगर ये नहीं है you can completely leave it, and then आप इस तरह से beads एक एक करके लगाते जाइए, and एक एक knot आपको दो beads के बीच में इस तरह से लगानी है ताकि उनमें equally एक distance रहे। और इसको हैंग करने के लिए मैंने एक वायर से एक हुक बनाया है, सो यू कैन ऑल्सो मेक समथिंग लाइक दिस, एंड यू कैन सी कितना ब्यूटिफुल ये दिख रहा है। आप इसे अपने गार्डन में लगा सकते हैं, आप इसे इनफैक्ट इंडोर भी लगा सकते हैं। और नेक्स्ट मैं बनाने वाली हूँ ये बर्ड बाथ, और आप वाटर फीडर भी इसे बोल सकते हैं, तो आप इसको दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लूँगी ये एल्यूमिनियम फॉयल, बेसिकली ये तो हम सबके पास ही होता है, और इससे हमें शेप बनाना है एक बर्ड का। सबसे पहले हम बर्ड बनाएंगे। सो यहाँ मैंने बर्ड की बॉडी बना दी है, और इसी तरह से आप धीरे धीरे हेड बनाइए। दिस इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, आपको कौन सी बर्ड का शेप बनाना है, और एल्यूमिनियम फॉयल से बहुत ही ईजिली कोई भी शेप्स आराम से बन जाती है, एंड इस तरह से मैं बर्ड की टेल भी बना दूंगी। तो एक बार हमारा बेस हो जाता है कम्प्लीटली रेडी, एंड देन हम इसके ऊपर शिल्पकार क्ले लगाएंगे। शिल्पकार क्ले का सेम है, दो रहती हैं, हमें इन दोनों को निकालना है, क्ले को अच्छे से मिक्स करना है, और जब तक अगर आप अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे आपका जो क्ले है वो अच्छे से क्योर नहीं होगा, राइट। तो हमारा डो दिखेगा कुछ इस तरह से, इसमें हम थोड़ा सा पाउडर लगाएंगे और फिर हम इसको अच्छे से फ्लैट कर लेंगे। फ्लैट करने के बाद मैं इसको इस तरह से बर्ड के ऊपर लगा के धीरे धीरे आप शेप बनाइए, आपको बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होने की ज़रूरत है, बस हमें मोटा मोटा एक चिड़िया की शेप, एक बर्ड की शेप आनी चाहिए। आप उसका फेस, उसका आप चोंच और उसकी विंग्स सब कुछ आप थोड़ा सा मेजर करके बना लीजिए, बहुत ही इजी है इसे बनाना। और उसके बाद हम इसके विंग्स इस तरह से स्टिक कर देंगे। शिल्पकार क्ले में आपको स्टिक करने के लिए थोड़ा सा ग्लू लगाने की ज़रूरत है, नहीं तो वो स्टिक नहीं होगा। सो एक बार हमारी बर्ड का बेस बन जाता है फिर हम इसमें डिटेलिंग देंगे। डिटेलिंग के लिए आप नाइफ ले सकते हैं, आप पैलेट नाइफ ले सकते हैं, आप कुछ भी बेसिकली शार्प ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, और इस तरह से आप जो बर्ड की बीक है, जो बर्ड के विंग्स हैं, जो बर्ड की टेल है उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं।
सो वंस द बर्ड इज कम्प्लीटली डन आप उसे साइड रख दीजिए सूखने के लिए एंड नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ पैन. ये मेरा बहुत पुराना पैन था और इसको ही हम यूज़ करेंगे. तो हमारी बर्ड अब सूख चुकी है और साइड में मैं इसको शिल्पकार क्ले से इस तरह से लगा दूंगी. और जब आप बर्ड सील करने के लिए छोड़ेंगे आगे और पीछे आप उसको कुछ सपोर्ट करने के लिए रख देना, नहीं तो आपकी बर्ड या आगे की तरफ झुक जाएगी या पीछे की तरफ झुक जाएगी. और इसके नीचे हम ये बेस दे देंगे एज अ पिलर. ये लिकर बॉटल का कवर है एंड इसको हम कर देंगे स्प्रे पेंट एंड दैट इज इट. इतना ही हमें करना है एंड देखिए कितना ब्यूटीफुल ये नज़र आ रहा है. नोबडी कैन से कि ये हमने हाथ से बनाया है. और हमारा बर्ड बाथ हीटर दिखेगा कुछ इस तरह से. और अगला हम बनाएंगे बर्ड हाउस. बर्ड हाउस बनाएंगे हम कोक की बॉटल से. तो इस तरह की प्लास्टिक की बॉटल्स हम सबके पास काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसका हम सबसे पहले लेबल निकाल देंगे और फिर हम यहाँ पर आग बनाएंगे. राइट, तो दोनों आगे और पीछे की तरफ हमें इस तरह से आग बनाना है. और आग को कट करेंगे हम इस तरह के क्राफ्ट नाइफ से. अगर आपके पास क्राफ्ट नाइफ नहीं है तो आप किसी भी कटर से इसे कट कर सकते हैं. अब इसमें हम लगाएंगे शिल्पकार क्ले. बेसिकली हमें ब्रिक वाला पैटर्न देना है तो वो बिल्कुल काफ़ी ब्यूटीफुल नज़र आएगा. तो सबसे पहले हम लगा देंगे ग्लू और फिर ग्लू के ऊपर इस तरह से मैं धीरे धीरे शिल्पकार क्ले को स्प्रेड कर दूंगी और फिर हम इसमें इस तरह से ब्रिक का पैटर्न दे देंगे. और आप क्ले में कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी क्ले आपके पास अवेलेबल है. और सेम इसी तरह से जो टॉप ऑफ द बॉटल है वहाँ पर भी मैं थोड़ा सा शिल्पकार क्ले लगाऊंगी और वहाँ पर भी हम जैसे घर में हट होता है ऊपर की तरफ, तो वैसा ही मैं वहाँ पर भी थोड़ा सा शिल्पकार क्ले लगा के सेम ब्रिक का पैटर्न देंगे, समथिंग लाइक दिस. और फिर आप इसे सूखने के लिए छोड़ दीजिए. इट विल टेक अराउंड 7 to 8 hours कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए. और वंस इट इज़ कम्प्लीटली ड्राइड हम उसके ऊपर लगाएंगे जेसो. आप चॉक पेंट ले सकते हैं, वाइट एक्रेलिक कलर ले सकते हैं, एनीथिंग यू कैन यूज़ हियर. एंड देन उसके बाद हम इसमें लगाएंगे हल्का सा ग्रे कलर बेस में, क्योंकि ज़्यादा वाइट हो जाएगा नहीं तो. तो कलर कॉम्बिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग कीजिए, क्योंकि यहाँ मैंने काफ़ी बार इसके कलर्स चेंज किए बिकॉज आई वॉज नॉट हैप्पी विद पिंक एंड ब्लू. फिर मैंने कुछ और कलर कर दिया, फिर मैंने कुछ और कलर किया. सो कलर कॉम्बिनेशन इज कम्प्लीटली अप टू यू, आप कौन सा कलर करना चाहते हैं. तो यहाँ इस तरह से आप फ्लावर एंड लीव बना सकते हैं. एंड आई एम नॉट रियली हैप्पी ऊपर वाले कलर से, तो उसको भी मैंने चेंज करके आई हैव मेड समथिंग लाइक दिस. और फिर नीचे हम एक होल करेंगे. होल करने के लिए यू कैन यूज हॉट ग्लू गन. तो इस तरह से नीचे होल करके हमें यहाँ पर एक स्टिक सेट कर देंगे और इस तरह से मैं ये बॉटल हैंगर बना दूंगी. सो एक बार हमारा बर्ड हाउस रेडी हो जाता है उसके बाद मैंने इसे रखा बाहर एंड माय क्यूटी बर्ड्स ये दोनों चीनू मीनू, तो ये दोनों एकदम अमेज हो गए कि ये क्या आ गया है. एंड दे वर एक्चुअली ऑब्जर्विंग इट सो नाइसली. और काफ़ी देर तक ऑब्जर्व करने के बाद फाइनली उन लोगों ने उसमें से खाना खाया. और लास्ट में हम बनाएंगे ब्यूटीफुल सा वाटर फाउंटेन फ्रॉम आर प्लांटर्स. जो प्लांटर्स रहते हैं, अगर आप थोड़ा बड़ा वाला लोगे आप उसमें आराम से फाउंटेन बना सकते हो. तो इस तरह से ये दो मैं प्लांटर्स लेने वाली हूँ. ये मेरे प्लास्टिक के प्लांटर्स है, काफ़ी अच्छे एंड हाई क्वालिटी है. इसे मैंने लोकल मार्केट से लिया था. उसके बाद मैंने लिया है ये वाटर फाउंटेन पम्प. ये भी कुछ 150-200 के बीच में आता है. तो इस तरह से हम इसे सबसे नीचे लगा देंगे. यू फर्स्ट चेक द फ्लो ऑफ योर पम्प कि वो कितना वो उसकी स्पीड से पानी आ रहा है. उसके बाद आप उसे सबसे नीचे या सबसे ऊपर रखते हैं. मेरे पम्प ने क्या किया कि वो नीचे मैंने उसे काफ़ी रखा था, सो वो ऊपर तक आ ही नहीं रहा था पानी का फ्लो, तो मैंने उसे फिर ऊपर शिफ्ट कर दिया. सो एक बार पेबल्स डालने के बाद आप पानी डालिए. पानी डालने के बाद आप मोटर ऑन कीजिए और चेक कीजिए कि आपका फाउंटेन कैसा चल रहा है. उसके बाद हम इस जगह को डेकोरेट करेंगे. सो ये गार्डन स्टूल मेरा कासा डेकोर से है. एंड देन उसके बाद हम इसके ऊपर लगा देंगे प्लांटर. देन हम सेट करेंगे हमारे बुद्धा. तो ये प्लांटर ऊपर से काफ़ी चौड़ा है, आराम से बुद्धा जी उसमें फिट हो गए. प्लांट्स आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं. और फिर हम अपने जितने भी एम्बलिशमेंट्स हमने बनाए हैं वो लगाएंगे. इफ़ यू रिमेम्बर ये विंड चाइम भी मैंने बनाया था मेरी पुरानी वीडियो में. एंड ये एक वॉल हैंगिंग मैंने मेरी फर्स्ट गार्डन मेकओवर वीडियो में बनाया था. सो इसी तरह से मिक्स एंड मैच करके हम अपने ब्यूटीफुल से फाउंटेन एरिया को रेडी करेंगे.
And yeah, this is how our beautiful garden is going to look for summer. So do let me know how did you like this video. अगर आप इस वीडियो से इंस्पायर होकर कुछ बनाते हैं, do share the pictures with me on my Instagram. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड रिंग बेल जरूर बजाना मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए. Till then, take care and see you next time. Bye bye.